वेलकम टू ज्ञान दीप फैमिली। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म क्लास 12 बायोलॉजी लेक्चर 3। देखिए बेटा, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, लाइफ स्पैन क्या होता है, और अलग अलग जो है स्पीशीज के हमने लाइफ स्पैन देखे। आज हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक टाइप है स्पोर प्रोपेगेशन और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ये दो टाइप हमारे रहते थे। तो आज हम बात करते हैं कि स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है। देखिए बेटा, नॉन फ्लावरिंग जो प्लांट्स होते हैं वो हंड्रेड ऑफ टेन स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उसके ऊपर जो है हंड्रेड ऑफ जो है टेन स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, और वो जो स्पोर्ट्स हैं वो ग्रो कर जाते हैं और मैच्योर हो जाते हैं। क्लियर है? चलिए देख लेते हैं क्या बताया गया है। स्पोर फॉर्मेशन इट इज ए मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि अलैंगिक जनन का ही एक मेथड है, एक तरीका है, विच इज फाउंड इन नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। जो कहां पाया जाता है? नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कौन कौन से हैं? जैसे कि फंगी, सच एज फंगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिजोफर्स, एंड और किसके अंदर पाया जाता है, बैक्टीरिया के अंदर। क्या होता है इस मेथड के अंदर? इन दिस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन द पेरेंट प्लांट, जो पेरेंट प्लांट होता है, हंड्रेड ऑफ टीनी स्पोर्स प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस हंड्रेड ऑफ टीनी स्पोर्स, यानी कि हंड्रेड ऑफ टीनी स्पोर्स प्रोड्यूस करता है, और वही विच कैन ग्रो, वो ग्रो कर जाते हैं इनटू न्यू प्लांट, एक नए प्लांट के रूप में। इतनी बात क्लियर है बेटा? क्या बताया है कि जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट हैं वो हंड्रेड्स ऑफ टीनी स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, और वही जो स्पोर हैं वो ग्रो कर जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं। किस फॉर्मेशन के द्वारा? स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्पोर फॉर्मेशन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्या होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन? इट इज ए फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि ये भी किसका पार्ट है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है ऑफ ए प्लांट। ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व, जिसके अंदर एक पेरेंट इन्वॉल्व है, और एक पेरेंट किसके अंदर इन्वॉल्व होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, क्योंकि हमने पढ़ा था सेक्सुअल के रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, मेल और फीमेल, लेकिन एसेक्सुअल के अंदर सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। एंड द ऑफस्प्रिंग इज द रिजल्ट ऑफ वन पेरेंट, और जो न्यू यंग वंस है, जो न्यू बेबी है, न्यू यंग वंस यानी कि ऑफस्प्रिंग, हियर द रिजल्ट, वो रिजल्ट है किसका? उसी पेरेंट का। द न्यू प्लांट इज जेनेटिकली आइडेंटिकल टू पेरेंट, और जो नया प्लांट होगा वो पेरेंट के बिल्कुल आइडेंटिकल। क्या मीनिंग है बेटा इसका? कि एक प्लांट है, प्लांट का कोई भी पार्ट अगर हम कट कर लेते हैं और उसको ग्रो कर देते हैं, तो वो ग्रो कर जाता है और मैच्योर हो जाता है। यही जो प्रोसेस है, ये क्या है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स के अंदर कौन सा पार्ट है जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हेल्प करता है? जैसे ग्लैडियोलस की बात करें तो उसके अंदर रनर है, जिंजर की बात करें तो राइजोम, मिंट की बात करें तो शक्कर, पोटैटो के अंदर ट्यूबर, वाटर हायसिंथ के अंदर ऑफसेट, ऑनियन के अंदर बल्ब।
देखिए बेटा, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एक एक्चुअल रिप्रोडक्शन की। हमने पहले भी बात की थी, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं वेरी वेरी आई फॉर जिम पर नीट और एम्स। पहले भी मैं इनके बारे में बात कर चुका हूं, तो एक बार फिर देख लेते हैं। बडिंग, बडिंग क्या होती है? डॉटर ऑर्गेनिज्म ग्रो फ्रॉम स्मॉल बर्ड्स, यानी कि यहां पर पेरेंट है, पेरेंट के पास जो है आउटग्रोथ मिलेगी। आउटग्रोथ, आउटग्रोथ को ही हम क्या बोलते हैं? बड बोलते हैं। तो ये बड जो है ये अलग हो जाएगा और मैच्योर हो जाएगा। ये जो प्रोसेस है हमने क्या बताई थी? बड, यही बताया गया है। डॉटर ऑर्गेनिज्म ग्रो फ्रॉम स्मॉल बर्ड्स, एग्जांपल क्या है? ये। सेकंड क्या है? बाइनरी फ्यूजन, यानी कि बाई, यानी कि टू। बाई का मीनिंग क्या होता है? टू। पेरेंट बॉडी डिवाइड हो जाती है किसके अंदर? टू न्यूक्लियस के अंदर, यानी कि टू डॉटर सेल्स बना लेती है। तो क्या कहा गया है? पेरेंट बॉडी डिवाइड इनटू टू हाफ, यानी कि जो पेरेंट बॉडी है वो हाफ में डिवाइड हो जाती है और दोनों ग्रो करते हैं और मैच्योर होते हैं। एग्जांपल क्या है? अमीबा। थर्ड पॉइंट क्या है? जूस स्पोर्स। जूस स्पोर्स क्या होते हैं? माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर। मोटाइल का मीनिंग क्या होता है? विच कैन मूव। मोटाइल मीन्स विच कैन मूव, जो मूव कर सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? मोटाइल। ठीक है, तो जो स्पोर्स की स्ट्रक्चर कैसी होती है? मोटाइल। और एग्जांपल क्या है? क्लाइंडोमोनास, क्लाइंडोमोनास। फोर्थ क्या है? कोनिडिया। कोनिडिया क्या होते हैं? नॉन मोटाइल एक्सोजीनियस स्पोर्स होते हैं चेन के अंदर। एग्जांपल क्या है? पेनिसिलियम। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट देखो गैम्यूल्स। गैम्यूल्स का एग्जांपल क्या है? स्पॉन्जेस। इसको नोट डाउन कर लेना बेटा। ये बेटा अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? मैंने बताया था पहले भी कि जिसके अंदर टू पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, एक मेल है और दूसरा फीमेल है। इतनी बात क्लियर है बेटा? और क्या बताया था? व्हेन टू पेरेंट अपोजिट सेक्स पार्टिसिपेट इन द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस एंड आल्सो इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, यानी कि इसके अंदर क्या होता है? मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकेंड क्या है? ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग जो आती है वो नॉट एग्जैक्टली एग्जैक्टली सिमिलर नहीं होती टू इट्सेल्फ, यानी कि डीएनए कॉपी बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होती। कुछ जो वेरिएशंस भी इसके अंदर आती है। इसके बारे में जो जेनेटिक्स है हमारा लेसन नंबर 5 क्लास 12 बायोलॉजी का, उसके अंदर डिटेल में देखेंगे। जो मेंडल ने बताया था, मॉर्गन ने बताया था किस तरीके से एक्सपेरिमेंट हुआ था जेनेटिक्स के ऊपर, तो वहां पर हमें पता चलेगा कि कैसे सिमिलर होते हैं, कैसे आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। दूसरी चीज क्या बेटा? लोअर ऑर्गेनिज्म हो चाहे प्लांट्स हो चाहे हायर एनिमल्स, जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो जो पैटर्न है वो बिल्कुल सेम रहता है। क्लियर है बेटा? बात करते हैं बेटा हम डिफरेंट फेज इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बेटा उसके तीन फेज होते हैं।
फर्स्ट इज जुवेनाइल फेज, जुवेनाइल फेज होता है ग्रोथ और मैच्योरिटी का पीरियड। रिप्रोडक्टिव फेज यानी कि जहां रिप्रोडक्टिव प्रोसेस होती है, और सेंसेंट फेज कौन सा होता है जो ओल्ड एज यानी कि एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज को ही हम क्या बोलते हैं सेंसेंट फेज। चलिए डिटेल में देख लेते हैं क्या होता है जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और सेंसेंट फेज। देखिए बेटा जुवेनाइल फेज, पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बिफोर इट कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, यानी कि जो ग्रोथ और मैच्योरिटी का पीरियड जो होता है, यानी कि अगर हम एज की बात करें तो 13-14 तक की जो एज होती है ग्रोथ और मैच्योरिटी, जब मैच्योरिटी आती है ग्रोथ जब होती है इंसान की, तो वो जो टाइम पीरियड है उसको ही हम क्या बोलते हैं जुवेनाइल फेज। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो उसके अंदर इस फेज को क्या बोला जाता है वेजिटेटिव फेज। प्लांट के अंदर जुवेनाइल फेज को ही क्या बोला जाता है बेटा वेजिटेटिव फेज। दिस फेज इज ऑफ वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, यानी कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर इस फेज का जो टाइम पीरियड होता है वो अलग अलग होता है। क्लियर है बेटा बात? देखिए बेटा रिप्रोडक्टिव फेज, पीरियड इन विच एन ऑर्गेनिज्म इज कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, यानी कि वो पीरियड जहां जब कोई ऑर्गेनिज्म योग्य हो जाता है क्या करने के सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने। क्या होता है बेटा रिप्रोडक्टिव फेज, पीरियड इन विच एन ऑर्गेनिज्म इज कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, यानी कि वो पीरियड जब कोई भी ऑर्गेनिज्म वो योग्य हो जाता है सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के, वही जो फेज होता है वही जो टाइम पीरियड होता है उसको हम क्या बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फेज। क्या है इजिएस्ट थिंग इन हायर प्लांट्स व्हेन दे कम टू फ्लावर, यानी कि जब वो फ्लावर देते हैं कुछ प्लांट्स तो ये आसानी से वहां देखा जा सकता है। फ्यू प्लांट्स, कुछ प्लांट्स एग्जिबिट अनयूजुअल फ्लावरिंग फिनोमिना, यानी कि जो अनयूजुअल फ्लावरिंग फिनोमिना को अप्लाई होता है उसके अंदर, जैसे अगर हम बैम्बू की बात करें तो पूरी लाइफ में वो एक बार ही बैम्बू प्लांट को जो है फ्लावर होते हैं, और अगर हम स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना जिसको हम नील कुरेंजी भी बोलते हैं 12 साल में एक बार ही जो है ये प्रोड्यूस करता है। क्लियर बेटा? बात करते हैं बेटा हम सेंसेंट फेज की। क्या होता है इट इज पीरियड When an organism grows old, यानी कि ये वो टाइम पीरियड होता है जब कोई भी ऑर्गेनिज्म वृद्ध अवस्था में यानी कि ओल्ड एज के अंदर हो जाता है, एंड लूज द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, और रिप्रोड्यूस करने की जो एबिलिटी है उसकी जो योग्यता है उसको खो देता है। ऐसे ही हम बोल सकते हैं द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज, जो रिप्रोडक्टिव फेज का जो एंड है उसी को हम क्या बोलते हैं सेंसेंट फेज।